कर्मा पूजा की शुरुआत कर्माईत यानी जो लड़कियां कर्मा के लिए व्रत या उपवास रखती है उसे कर्माईत कहते हैं। वो लोग अपने साथ सात बीजों से उगाए हुए जावा को लेकर आती हैं, पहान को दे देती हैं और पहान उसे कर्मा डाल के पास रख देते हैं और सभी को बैठने कहा जाता है और पूजा आरंभ होती है। पहान के आदेश के अनुसार कर्माईत लोग एक एक करके आकर कर्मा भगवान को प्रणाम करती हैं और पूजा शुरू होती है। इसके बाद पहान पूजा के साथ साथ कर्मा भगवान की कहानी सुनाते हैं, तो आइए थोड़ी कहानी हम भी सुनते हैं। इसके बाद पहान के आदेश के अनुसार सभी कर्माईत दिया और अगरबत्ती कर्मा भगवान को दिखाती हैं। पहान के आदेश के अनुसार कर्मा भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसमें खीरा चूड़ा फूल इत्यादि होते हैं। देख सकते हैं कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी का ध्यान रखा गया है। इसके बाद पहान किसी को जावा देते हैं सभी कर्माईत को देने के लिए, जिससे ये पता चलता है कि पूजा समाप्त होने वाली है। जैसे पूजा समाप्त होती है सभी कर्माईत को प्रसाद दिया जाता है जिसमें फल होते हैं, जिसे खाकर सभी कर्माईत खुशी खुशी अपनी व्रत तोड़ते हैं, यह कामना करते हुए कि सभी के भाई बहन का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। इस तरह से कर्मा पूजा समाप्त होती है खुशी।